पहले चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी रैलियों में पूरी ताकत झोंक दी है। आज गाजियाबाद के कविनगर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की। रैली को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है, वहीं केंद्र सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि सपा के 5 वर्षों के दौरान चोरी, अपहरण, महिला उत्पीड़न और जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन 5 सालों के दौरान गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर सहित 500 दंगे अखिलेश के शासनकाल में ही हुए। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वह केंद्र में दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो यूपी की इतनी बड़ी आबादी की कानून व्यवस्था को कैसे संभालेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो ने चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा को वोट न देकर केवल अपनी हितैषी पार्टी बसपा को वोट देने की अपील की। तो अब आपको ले चलते हैं गाजियाबाद, जहां हमारे संवाददाता उपेंद्र राय बताएंगे कि रैली का क्या मिजाज है। खड़े हैं अभी पुलिस लाइन के मैदान में, जहाँ मायावती जी सभा को संबोधित कर रही है। कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे जानना चाहेंगे वो कब और किस तरीके से। मेरा नाम है जमशेद अली, मैं मुरादनगर विधानसभा से आया हूँ और मैं सुगन रावत जी के समर्थन में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। आप बसपा को बसपा जो है सब समाज की पार्टी है, हर लेडीज की सुरक्षा बसपा के समाज के अंदर होती है, इसलिए हम बहन मायावती के साथ तो बसपा के समर्थकों में गजब का उत्साह है। वहीं मायावती अपनी चुनावी रैलियों में विरोधियों पर जमकर हमला बोल रही हैं और लोगों से केवल बसपा को वोट देने की अपील कर रही हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।